आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, जी हाँ, दैट इज़ कोरोना वायरस। तो वेलकम बैक टू माई चैनल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कोरोना वायरस जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन से। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस होता है उसकी फैमिली जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज़ कोरोना विरिडी। जेंडर जो है वो कोरोना वायरस। इसका जीनोम जो होता है वो है लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और प्लियोमॉर्फिक रैप्ड। और जो लेंथ है इसकी, जो आप साइज़ बोल सकते हैं, 82 to 220 नैनोमीटर। और 30 सीरोटाइप्स जो इसके मिलते हैं। तो चलिए अब फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कोरोना वायरस के। दैट इज़ स्फेरिकल और हेलिकल शेप का होता है, 60 to 200 नैनोमीटर डायामीटर में, और टोटल आरएनए जो होता है विदाउट सेगमेंटेशन और पॉजिटिव सेंस में। देन उसके बाद है सरफेस एंटीजन जो होते हैं, उसके ग्लाइकोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं इंटरनली। और ग्लाइकोप्रोटीन्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय ई1, दैट इज़ ट्रांस मेम्ब्रेन, और ई2 एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद और आगे और हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हम इसे याद भी रख सकते हैं, दैट इज़ SEM से, यानी कि S का मतलब है स्पाइक, दैट इज़ रिसेप्टर बाइंडिंग सेल फ्यूजन। E से एनवलप, दैट इज़ स्मॉल एनवलप प्रोटीन नॉट एज एबंडेंट एज S। और लास्ट है M, मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज़ ट्रांस मेम्ब्रेन बडिंग एंड एनवलप फॉर्मेशन। तो ये हो गए कोरोना वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए अब देख लेते हैं हम कोरोना वायरस का डायग्राम प्रॉपर तरीके से। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, दैट इज़ SEM, S से आप देख सकते हैं 1 नंबर पे स्पाइक, 2nd नंबर इज़ एनवलप प्रोटीन, एंड 3rd नंबर इज़ मेम्ब्रेन प्रोटीन M से। उसके बाद 4th पोर्शन भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियो कैप्सिड। तो चलिए अब देखते हैं हम अपनी बहुत ही सरल भाषा में कि जो कोरोना वायरस है वो कैसे फैलता है। तो जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो इंसानों के जानवरों के संपर्क में आने पर फैलता है, खांसने छींकने या हाथ मिलाने से। और इसका इलाज संभव है या नहीं है, तो अभी तक तो कोई भी वैक्सीन जो है इसके लिए इजाद नहीं हुई है। आगे देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं। कुछ लक्षण हम यहाँ पढ़ेंगे, आगे कुछ और मैं बताऊँगी। तो लक्षण, पहला लक्षण है नाक बहना, कफ और खांसी, गले में दर्द, सिर दर्द और कई दिनों तक रहने वाला बुखार। और जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से आया है, तो हम कह सकते हैं चीन के वुहान में पहला केस इसका दिखाई दिया। और निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे और भी इसके लक्षण हैं। और WHO की सलाह अगर देखें तो WHO की सलाह है हाथ धोएं, मास्क खाने से बचें और खांसते छींकते मुंह ढकें। यानी कि ये बातें हमें ध्यान रखनी है ताकि हम कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट से अपना बचाव कर सकें। तो चलिए आप देखते हैं कि कोरोना वायरस को जानने के लिए क्या लैब टेस्ट किए जाते हैं। तो पहला टेस्ट जो है वो होता है एलाइजा टेस्ट, और जो दूसरा टेस्ट किया जाता है वो है PCR।